मुहर्रमुल हराम पहला इस्लामी महीना और चार मुकद्दस तरीन महीनों में से एक है। इस माह को करबला के शहदा की याद में गुजारा जाता है। शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन दिनों में अय्याम अज़ा में और इसके अलावा भी सॉलिड मैनेजमेंट के काम बेहतरीन है। इससे अच्छा काम हो नहीं सकता है। डेली इस रोड को साफ करते हैं। खारा दर के तमाम जुलूसों के जो रूट 5-6 जो जुलूस निकलते हैं, हर जुलूस से पहले पूरे रूट पे इन्होंने सफाइयाँ की। हकीकत ये है कि इन्होंने काम किया है, हम इनके शुक्र गुजार हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से आज़ादाराने इमाम हुसैन और 10 मुहर्रम आशूर के हवाले से जो एमरजेंसी रिलीफ कैंप हमेशा की तरह एमजना रोड के ऊपर रेडियो पाकिस्तान पे लगाया गया है, यहाँ पर हम मुस्तकिल मॉनिटरिंग रखते हैं सफाई सुथराई के इंतजाम के हवाले से। जो भी मसाइल थे वो सारे मसाइल MD ज़ुबैर अहमद चन्ना साहब के हुक्म के मुताबिक और हमारे तमाम ऑफिशल्स के मुताबिक और उनकी मॉनिटरिंग के अंदर, उनकी निगरानी के अंदर हमने यहाँ पे तमाम अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। और इस वक्त आज़ादाराने इमाम हुसैन यहाँ से गुजर रहे हैं जलूस की शक्ल के अंदर। हम यहाँ पर अभी भी एमरजेंसी ड्यूटी दे रहे हैं और हमारे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले हमने पूरे रूट की सफाई की थी, तो अभी जैसे ही ये इख्तिताम पज़ीर होगा तो हमारी टीमें तैयार हैं, इंशाल्लाह इस पूरे रूट को दोबारा साफ करेंगे। मुहर्रमुल हराम में रोज़ाना मजालिस और जुलूसों के इख्तिताम पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने इलाकों की सफाई का काम जारी रखा ताकि शहर कायद को साफ रखा जाए। सफाई की इस मुहिम में हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आप भी अपना हिस्सा डालिए और शहर कायद को साफ रखें।